ये चलते हुए पैर मदन के मदन की खेल पर रोमांच सातवें आसमान पर घाना के खिलाड़ी खेल पर पहली निगाहों के साथ एक श्रृंखला के रूप में एक टीम के रूप में अपने हौसले का परिचय देती हुई मदन इनके कंधे काफी मजबूत है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बोनस के लिए अटेम्प्ट किया है, ऑफिशियल्स को देखना है कि इनका अटेम्प्ट कारगर रहता है या नहीं। यस एंटी रेट 9 नंबर के खिलाड़ी घाना की तरफ से, ये बहुत अच्छे राइडर हैं, कमाल की प्रतिभा है, हुनर इनका सातवें आसमान पर रहता है। 9 नंबर लकी नंबर घाना के लिए, 1 2 3 4 सुराज की जय जयकार, 1 2 3 4 भाना लेकर गए, ये एक लेकर गए हैं, खाता खुला भाना का, स्कोरर्स तैयार रहे कमलेश डैश कर दी गए हैं, 1 each एक 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 दोनों को मिला है स्कोरर्स बिल्कुल भाना की तरफ से 4 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा रेड। ये दर्शक हैं, इनके सब बड़े अजीब आते हैं, उठा ले 4 नंबर की जर्सी, खला के खिलाड़ी 6 पॉइंट पर बोनस की संभावना है जिंदा। देखे चार टीम को ले आया है और आज वही प्रदर्शन दोहराना होगा इसको, तभी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे मदन निश्चित रूप से, लेकिन साथी खिलाड़ियों को भी साथ देना होगा, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, साथी बनने होंगे। और बाणा ने जो जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है लगातार एक तरफा मुकाबले जीते और कौशल का परिचय दिया है भाणा के खिलाड़ियों ने, और इसमें से 4 नंबर जर्सी और 9 नंबर जर्सी लगातार रेड करते हैं और पूरी एक टीम एकजुटता के साथ खेलती है, उसी का परिणाम ये फाइनल तक पहुंचे हैं। और ये मदन जी रहे हैं, ये मदन मदर है, कुछ भी हो सकता है, मेजबान वर्सेस मेहमान का मुकाबला। और ये कमलेश पेश कर दिए गए वहां पर का सम्मिश्रण भाणा की तरफ से दर्शकों के सामने आता है, 4 नंबर की जर्सी, ये भाणा की एक विशेष रणनीति रहती है कि हमारे जो मुख्य लीडर है उन्हीं को रेड पर भेजा जाए ताकि विपक्षी टीम पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन भाणा किसी भी मायने में कम नहीं है, वापसी करना जानती है। हालांकि टीम के 4 रेडर हैं, मदन मदन गए, काफी पेनी निगाह इनकी, बिल्कुल अकेले में बहुत अभ्यास करते हैं, ड्रिलिंग जिसे मॉक ड्रिल कहते हैं उसी प्रकार का अभ्यास अपने घर पर संपादित करते हैं मदन। सामने बहुत बड़ी टीम है, पूरी टीम एकजुटता के साथ खेलती है, इसलिए मदन को विशेष ध्यान रखना होगा अगर मैच को निकालना है तो, निश्चित रूप से साथी खिलाड़ियों को भी हाथ बटाना होगा और एक ग्यारह वाले मुहावरे को चरितार्थ करना होगा। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मांगा है और निश्चित रूप से लेकर गए हैं भूपेश के रूप में, बना हुआ 5-2 5 बाणा 2 नंगपुरा। और ये 1 पॉइंट खिला के खाते में, काफी दर्शकों की संख्या मौजूद, काफी शूटिंग हो रही है दोनों तरफ से, बहुत ही शानदार आयोजन, ये इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, ये सभी भामाशाओं के बदौलत से हो रहा है ओम जी, और लगातार भामाशा उत्साहित हैं और इस प्रकार के आयोजन को आगे भी बढ़ता रहने के लिए पूरी तैयारी के साथ बोल रहे हैं कि भी नेक्स्ट टाइम होना चाहिए। बिल्कुल इसी प्रकार का उत्साह अगर पीछे होता है तो कोई भी कार्य असंभव नजर नहीं आता है, वो निश्चित रूप से संपन्न होता है। मदन चले एक बार फिर अपने थला की समस्त है, अब क्या होता है आने वाला 20-40 मिनट बताएगा, दमखम की जरूरत होती है, दमखम के साथ दिमागी गेल भी है, बिल्कुल ताकत और बुद्धि का संगम अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से कबड्डी आपके साथ रह सकती है, आप कबड्डी के साथ जी सकते हैं। 9 नंबर की जर्सी इनके क्या कहने भैया, आपने दिल लूट लिया है, आपने पूरा का पूरा मेरा लूट, लेकिन आज गजब गजब भैया गजब,
क्या बातें, नौ नंबर जर्सी को टेकल करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, वो नंदपुरा की ओर से होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक चेन बनाकर और ये चले चार नंबर जर्सी, नौ नंबर और चार नंबर जो भाणा की ओर से लगातार रेड करते हैं, नौ नंबर आउट हो गए तो चार नंबर को भेजा है। ये दोनों हैं रेडर, स्टार रेडर हैं भाणा की ओर से, अगर इनको रोकना है तभी टीम कुछ कर पाएगी। नंगपुरा टीम पर काफी अच्छा प्रयास किया और उसमें पूरी तरह से सफल हुए। ये जो टेकल कर हला की ओर से डू एंड डायरेक्ट रहे हैं कमलेश, सामने है चार खिलाड़ी मौजूद, चार खिलाड़ी की मौजूदगी में पॉइंट लाना बहुत मुश्किल कार्य होता है और डू एंड डाई रेड है, करो या मरो, लेकर आओ या मर जाओ, ये इसी प्रकार की अवधारणा वाली रेड है। कमलेश काफी हुनरमंद खिलाड़ी है, जानते हैं इस रेड का क्या मतलब है कि मुझे मरना है या लेकर आना है। बिल्कुल वही प्रयास करते हुए हमने और ये निकलना चाह रहे थे लेकिन वहां पर रोक लिया गया। शेर की मांग में जाओ और भगवान जी कुमार का स्वागत करें। भाणा से ये रेड लेकर आए हैं भैया, लेकिन डिफेंड कला का गजब का चल रहा है। बिल्कुल, और वही करना होगा तब जाके कुछ नैया पार कर सकते हैं। अब आए सात नंबर जर्सी भाणा की ओर से, लगातार प्रयास कर रही है दोनों टीमें और स्कोर भी देखने को मिल। एक बार फिर मदन अपनी उम्मीदों के कंधों पर, और ये इनामी राशि की घोषणा हुई है शुभ लक्ष्मी गारमेंट्स थला बस स्टैंड शंकर जी की तरफ से। अगर नंगपुरा मैच जीतती है तो 1100 रुपए की इनामी राशि प्राप्त हो चुकी है, रनिंग हैंड टच का प्रयास। और ये नंगपुरा मैच जीतती है तो 1100 रुपए सुरेश जी टिल्लाजी धूलखेड़ा की तरफ से दिए जाएंगे। थला टीम के लिए इनाम की घोषणा स्टार्ट हो चुकी है एंट्री रेट, और मैं आपको बता दूं कल जो इनामी राशि थी थला टीम के लिए 90,000 रुपए देने थी, है ना, 90,000 रुपए की इनामी राशि प्राप्त की थी नंगपुरा टीम ने। इस प्रकार के क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में अगर इस प्रकार की इनामी राशि आती है तो खिलाड़ियों के लिए वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आपको खेल दिखाना होगा, अपना कौशल दिखाना होगा और दर्शकों का दिल जीतना होगा। मेहमानों का स्वागत करते हैं, ये बहुत बड़े भामाशाह दोनों टीमों के लिए घोषणा कर रहे हैं, अगर कोई भी मैच जीतेगी उसके लिए 500-500 रुपए की इनामी राशि है मुकेश जी अमृत रिसोर्ट के मालिक उनके द्वारा दिए जाएंगे। डू एंड डायरेक्ट भाणा की ओर से डू एंड डायरेक्ट, छह नंबर जर्सी गए हैं, सामने छह खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद, कौन है क्या करते हैं, डू एंड डायरेक्ट या तो करके आना है या मर के आना है। ये काफी दमदम वाले खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, इनको टेकल करना बहुत बुद्धिमानी के साथ करना होगा। बोनस दे दिया गया है, काम करके निकल गए हैं चुपचाप। डू एंड डायरेक्ट थला की तरफ से, नंगपुरा की ओर से फिर से डू एंड डायरेक्ट है और ये पांच खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद है, बोनस का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ करना होगा कुछ अलग से। छोटू मैं बताना चाहता हूँ जो अच्छी टीमें होती है वो खेल को केवल डू एंड डायरेक्ट पर चलाती है। बिल्कुल सर, और वही हो रहा है इस मैच में देखने को मिल रहा है। डिपेंड भाणा का जमकर बोलने लगा है फुल, और ये फिर से नौ नंबर जर्सी वापस आ चुकी है, ये है इनकी मुख्य कड़ी। बिल्कुल, इस टूर्नामेंट के 10 मिनट का खेल हो चुका है, पहले आपके 10 मिनट शेष हैं। और ये लेकिन ये नौ नंबर का खिलाड़ी भैया कमाल की कहानी लिख रहा है। बिल्कुल ओमनी, इनको रोकना बहुत मुश्किल कार्य है और सलाह के लिए काफी मैं, और ये टाइम आउट मांगा है इसी बीच में, काफी उटिंग देखने को मिल रही है दोनों तरफ से, लगातार दोनों तरफ से दर्शक अपनी ओर से उटिंग करते हुए। ऐसा तब तक मैं पहुंचता हूँ, भाणा के खिलाड़ी काफी मुश्किल, और ये यहाँ पर बहुत ही जोरदार तरीके से ट्रेस किया गया खिलाड़ी को। स्कोर भाणा 10 नंगपुरा 5, 5-10 का स्कोर है, 5 नंगपुरा 10 भाणा, काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन है, पहले
आईपीएल में ऐसा हुआ करता था, मैं सब दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, बाकी की 7 टीमें फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ने के लिए खेलती थी, उसी प्रकार की कहानी 9 नंबर को पकड़ा है, लेकिन इसको रोकना बहुत मुश्किल कार्य है। इनको रोकना, 11 मुल्कों की पुलिस इनके पीछे पड़ी है, लेकिन इनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 9 नंबर के खिलाड़ी बड़े कमाल के हैं। बिल्कुल सर, और लगातार रेड करते हैं, लगातार पॉइंट लाते हैं अपनी टीम के लिए। और फिर से 9 नंबर जर्सी, ये सुपर टैकल की संभावनाएं हैं, ऑल आउट देना चाहते हैं या देखते हैं, प्रयास करेंगे, जान देख लेकर आए हैं। डू एंड डाई रेड है ये, या तो पॉइंट लाना है या खुद आउट होकर आना है, लगातार दिमाग का प्रयोग करते हुए बाणा की टीम के खिलाड़ी। बिल्कुल पूरा प्रयास कर रहे हैं गोपेश वहां पर, लेकिन कहां तक सफल होता है। और ये गए वहां पर फिर से ड्रेस, पूरी टीम एक साथ जाती है, जानी भी उलट फेर के लिए जाती है। बिल्कुल उलट फेर हो सकता है, अगर मदन और कमलेश कुछ संभल कर खेले तो अपनी टीम के लिए उलट फेर कर सकते हैं। चार नंबर की जर्सी रेड लेके आए हैं, और इसी बीच खाली गेट कमलेश, कमलेश गए अपनी टीम के लिए स्टार रेडर हैं नंदपुरा की ओर से। अब ये गए स्वयं, काफी ताकत रखते हैं, ताकत जो दिख रही है, लेकिन सामने बहुत बड़ी टीम है। फिर से खाली गेट, ये हंसराज भैया रेड लेकर आए हैं, जो हालांकि कैलकुलेशन स्कोरर्स के द्वारा किया जाएगा, मैंने दो मैच देखे हैं, दोनों में इनका होकर देखा है, मेरी तरफ से मैं इनको रेडर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित करता हूं, लेकिन बाकी मूल्यांकन स्कोरर्स को करना है। वाकई में बहुत शांत चित्त होकर खेलते हैं, अपनी प्लानिंग पर काम करते हैं, किस खिलाड़ी को टारगेट करना होता है वो देखते हैं। यह है फिर से डू एंड डाई, दो रेड लगातार खाली, तीसरी रेड डू एंड डाई रेड है, कमलेश गए अपनी टीम के लिए, बोनस ऑन है 7-7 खिलाड़ी कोर्ट में। कमलेश बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, हालांकि इतने फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में वापसी करनी होगी। आप अभी जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, पूरी टीम एक साथ ब्लॉक के लिए आती है, इनका डिफेंड हो सकता है ऋषि गोपाल। 5 मिनट और फर्स्ट पारी के बाकी हैं अभी, और जो इनका ब्लॉक देखने को मिलता होंगे, पूरी टीम एक साथ आती है, खिलाड़ी को हिलने का मौका तक नहीं दे रहे। ये एक अधर से किले की तरह दीवार बना लेते हैं, बोनस का प्रयास और पॉइंट लेकर गए, टच पॉइंट लेकर गए हैं, और अभी मदन का शिकार किया है। हालांकि उसे रेड की जा रही, लेकिन छोटे कट्टे खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ी टीम के सामने रेड करना काफी मुश्किल भरा कार्य होता है। तो कमलेश जैसे रेडर कुछ नहीं कर पा रहे, इनके लिए बहुत मुश्किल कार्य है। ये 11 नंबर के भैया बड़े कमाल के हैं, इनका डिपेंड और जो ब्लॉक करने का जो तरीका है वाकई में लाजवाब है, इनकी भुजाओं में ताकत भी असीम भरी हुई है। 4 नंबर और 9 नंबर दोनों रेडर बहुत ही कमाल के हैं बाणे की ओर से, वास्तव में 9 और 4 की जुगलबंदी बड़ी कमाल की रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। और ये मनपुरा की ओर से रेड की जा रही है, कुछ करना होगा अगर टीम को आगे ले जाना है, तो कुछ उलट फेर करना होगा मनपुरा को। एक बार फिर 9 नंबर की जर्सी, 4 खिलाड़ी कोर्ट में,
ये भैया इनके चेहरे पर वो भाव नजर नहीं आते हैं लेकिन इनका खेल बोलता है बिल्कुल। और वही देखने को मिल रहा है, केवल केवल लगातार रेड ये करते हैं, हर बार पॉइंट ले लेते हैं, कुछ न कुछ करके ही जाता है। इनकी गंभीरता, इनकी शांत चित्ता मुझे प्रदीप नरवाल की याद दिला देती है, क्योंकि इनके खेल में ना तेजी नजर आती है ना एग्रेशन नजर आता है, लेकिन वास्तव में पॉइंट लेकर जाते हैं। फिर से खाली रेट डू एंड नाइन एट, फिर से वो नौ नंबर रस्सी डू एंड नाइन एट, चार खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद। वहां से भी दर्शकों के दो विमान यहाँ पहुंचे हैं, लगभग 7,500 यानी कि 15,000 दर्शक यहाँ पहुंचे हैं, उनका शामिल। फिर से वही कहानी रखते हुए नौ नंबर खिलाड़ी, केवल दो मिनट, पहले आपके दो मिनट बाकी है, डू एंड नाइन एट, फिर लगातार खाली लेट करी थला की टीम। और ये फिर से ब्लॉक, ग्यारह नंबर खिलाड़ी वाला शानदार ब्लॉक, मात्र कुछ नहीं कर पाते इनके सामने। ये 11 नहीं है, 111, इनमें शोर जोड़ दीजिए भैया, कमाल के हो, क्या नजरे हैं, क्या कंधे हैं आपके। और ये फिर से नौ नंबर जैसी रेट पर लगातार रेट कर रहे हैं, बिल्कुल शांत मन से खेल रहे हैं, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं, आराम से हिट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही, हड़बड़ाहट कहीं नजर नहीं आती, ना तेजी है ना आक्रामकता है, केवल कौशल पर विश्वास करते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं चुपचाप। बिल्कुल यही तरीका होता है, जोश के साथ साथ हो सकते हुए काम कर रहे हैं भाड़ा के खिलाड़ी। भैया करते क्या हो, खाते क्या हो, ये 11 नंबर का खिलाड़ी जब तक कोर्ट पर है ना तो कई कई दिक्कतें बनी हुई है। और ये खिलाड़ी और ये दूसरा ऑल आउट खेला के लिए, स्कोर 24-5, 5 से आगे नहीं बन पा रहे, मात्र 5 का स्कोर है, 5 से आगे नहीं बढ़ पा रहे खेला की टीम, 24 भाड़ा और 5 धनपुरा। फर्स्ट हाफ टाइम लगभग पूरा होने को जा रहा है लेकिन बिल्कुल एक तरफा मुकाबला कर दिया अभी इस समय तो। निश्चित रूप से ये एक तरफा मुकाबला है, इसे जिस फाइनल की उम्मीद लगाए बैठे थे दर्शक वो अभी तक तो नहीं दिख रहा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपने दो शब्द बाद में कहूंगा, अपना अपना मैच अभी शुरू हो चुका है, इसका आनंद लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर का कि आपने अपने मधुर वाणी से सभी दर्शकों को। बिल्कुल अभी पूरी है, कमलेश को भी सहयोग देना होगा, कमलेश बहुत अच्छे रेडर हैं, ये इनको अपनी फॉर्म में आना होगा, अपने ही दर्शकों के सामने अगर आप खेल दिखाते हैं ना तो आप हीरो नहीं सुपर हीरो कहलाते हैं। और ये किसी भी तरह से पॉइंट लेकर आएंगे, निश्चित रूप से लेकर आएंगे। और ये भैया ये एम्पायर्स खड़े हैं, वो उनका काम है, आपका काम खेलना है। एक पॉइंट फिर से भाड़ा खाते में, आपका काम केवल और केवल प्रयास करना खेलना है, बाकी डिसीजन इनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। मुझे ऐसा लगता है इस भाड़ा के 9 नंबर के रेडर ने इस पूरे टूर्नामेंट में रेडिंग पॉइंट का शतक शायद पूरा कर लिया हो। बिल्कुल स्कोर बताएंगे, काफी अनुभव स्कोर है बालजी सर और डीडी सर, इनकी जोड़ी, इनके तो क्या कहने, बिल्कुल इनकी जोड़ी सब जगह है। लोग दिन में अच्छे काम करते हैं, ये दिन में भी करते हैं और रात में भी करते हैं। बिल्कुल सर, चार नंबर जर्सी चले हैं, काफी हुटिंग देखने को मिल रही है। ये इनके नंगपुरा के चीत प्रतिद्वंदी जो है रायपुर की टीम, उसके भाड़ा की तरफ हुटिंग कर रही लगातार। और बिल्कुल यही होता है, खेल है, खेल में जो सामने वाली टीम हारती है उसके विरुद्ध 100% होती है, वही करते हुए रायपुर की ओर से टीम।
बहुत ही अच्छे खेल का परिचय दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा दर्शकों के सामने आता हुआ मुझे एक अच्छी चीज ये नजर आई है भाणा की टीम की तरफ से कि आपने अच्छे खेल का परिचय तो दिया है लेकिन अनुशासन के मामले में भी आपके शायद 10 में से 10 अंक आते हैं। बिल्कुल सही बात है ओम जी, शांत तरीके से खेल रहे हैं, बिल्कुल ज्यादा नहीं तो फास्ट नहीं स्लो, मीडियम तरीके से खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अंक ले जा रहे हैं। ये फिर से 9 नंबर जैसे टाइम आउट मांगा है भाणा के खिलाड़ियों ने, स्कोर 24 27 बाणा 6 नंगपुरा 27 का स्कोर है। हाँ 4.5 छक्के भाणा ने लगाए हैं और 1 छक्का लगाया नंगपुरा ने, बिल्कुल क्रिकेट की भाषा में यही है लेकिन कबड्डी की भाषा में 27 छे, बिल्कुल और भाषा अंकित गणों में ये अनूठा फाइनल हो रहा है। मैं प्रिंसिपल साहब का ध्यान और आशीर्वाद दोनों चाहता हूँ, बिल्कुल इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है और आपके और मेरे ऊपर तो विशेष बना हुआ है, इसके लिए इनका हार्दिक आभार स्वागत अभिनंदन करते हैं और कुमाऊं खेल समिति आपका स्वागत और अभिनंदन करती है कि आपने अपना अमूल्य जो समय निकाला है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल सुपर टेकल ऑन है, 4 नंबर जर्सी गए, 3 खिलाड़ी कोर्ट में है, सुपर टेकल अगर ये पकड़ लिए जाते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे। गोपेश को कुछ करना होगा, गोपेश काफी खास खिलाड़ी हैं लेकिन क्या करते हैं खाली रेट डू एंड डाई रेट, सामने है 3 खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद, सुपर टेकल ऑन है, डू एंड डाई रेट है, 9 नंबर जर्सी जो काफी कमाल के खिलाड़ी हैं वो गए हैं डू एंड डाई रेट पर, पूरा प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे प्रयास करते हैं लेकिन ये सफल होकर ही आते हैं, इस बार देखते हैं क्या होने वाला है। और ये देखो फिर वही कहानी, अपनी रेड से खिलाड़ी को सेल्फ आउट होने के लिए मजबूर कर दिया, ये दबाव रहता है एक अच्छे रेडर का, डू एंड डाई रेट खला की ओर से, काफी कमाल की टीम लग रही भाणा, सभी मुकाबले ओम जी इन्होंने एक तरफा जीते थे और यही प्रदर्शन इसमें भी होता हुआ फिर से ट्रेस कर दिया है। और ये ऑल आउट दिया है थला को यानी कि नंगपुरा को भाणा की तरफ से, फिर से मदन आए हैं, मदन और कमलेश को आउट करते ही पूरी टीम दबाव में आ जाती थला की टीम और यही इनकी रणनीति है, बस दो ही खिलाड़ी हैं इन टीम में स्टार रेडर हैं, दोनों को आउट करते हैं और पूरी टीम पर दबाव बना लेते हैं और ये ट्रेस करने का प्रयास लेते हैं, इस बार एस पल हुए, ये पहली गलती हुई है, एडवांस टेकल का प्रयास किया मिडलाइन के पास 7 नंबर के खिलाड़ी द्वारा जो अक्सर देखा नहीं जाता, 7 अंक का जादू अलग होता है, 7 अंक का खिलाड़ी अगर गलती करता है तो हमें परेशान हो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है क्योंकि मैं माही का बहुत बड़ा फैन हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, माही जब खेलता था उसके साथ में टीम वर्क से काम होता था, केवल माही अकेला कुछ नहीं कर सकता था ओम जी, और मेरे सबसे बड़े आलोचक है। फिर से चले मदन, माही अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसके साथ 10 खिलाड़ी खेल रहे थे, उसको हीरो बनाने में उनका पूरा सहयोग था और ये मदन चले, इस जन्म में तो क्या मैं 10 जन्म में भी आपसे जीत नहीं पाऊंगा, खेल खेल की तरफ ध्यान लाते हैं मदन, मदन जो थला टीम के तारण हार है लेकिन आज ज्यादा कुछ नहीं करने पा रहे हैं और भाणा टीम की रणनीति है कि इनको रोकना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, वही करती हुई टीम 9 नंबर जर्सी बिल्कुल शांत तरीके से खेलते हैं, चतुराई के साथ पॉइंट लेकर आते हैं, एक एक दो दो पॉइंट लाते हैं और अपनी टीम को बाढ़ जैसे स्कोर के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मदन आए हैं फिर से, भाणा के दर्शक ऑन डिमांड बोनस की मांग करते हैं और 9 नंबर के खिलाड़ी उनकी इच्छा की पूर्ति भी करते हैं लेकिन इस बार कामयाब नहीं हो पाए हैं। मदन दिखाओ अपना हुनर और ये गलती हुई है, 11 नंबर खिलाड़ी होंगे इस बार फेल हुए, बिल्कुल पहले 7 नंबर के और इस बार 11 नंबर के खिलाड़ी द्वारा गलती होती हुई,
ये सबसे भरोसेमंद डिफेंडर है इस टीम के, दोनों बार बैठे हैं। अब वापसी का संकेत है, इसको अगर आप नंगपुरा बुनाती है तो ये टर्निंग पॉइंट बन सकता है खेल का, लेकिन ये रेडर जब तक है। बिल्कुल सर, ये रेडर और वो दोनों डिफेंडर काफी शानदार काम करे अपनी टीम के लिए, 9 नंबर जर्सी और ब्लॉक और ट्रेस के लिए 11 नंबर और 7 नंबर पूरा प्रयास करते हुए। और ये टाइम हो चुका है, 30 सेकंड पूरे हो गए। अब आए मदन, सामने है चार खिलाड़ी। चार खिलाड़ी में ओमजी पॉइंट लेना बहुत मुश्किल कार्य होता है। बिल्कुल। और 9 नंबर खिलाड़ी अगर सेल्फ आउट होता है तो ये खेल यानी कि बड़ा है, खिलाड़ी से कई गुना खेल बड़ा है। हर खिलाड़ी से गलतियां होती है, ये परिभाषित होता हुआ, चरितार्थ होता हुआ। और ये रनिंग इंटच का प्रयास, बिल्कुल, लेकिन कामयाब नहीं हुए है मदन। 4 नंबर की जर्सी, रिवाइवल चाहिए भाणा को, इन तीन खिलाड़ियों में से किसी एक का रिवाइवल चाहिए। आप अंक लेके आए, उनको जिंदा कीजिए। लेकिन अभी ये वापसी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है नंगपुरा के लिए। आप सभी खिलाड़ी कोर्ट पर हैं, उनकी कोर्ट में 4 खिलाड़ी हैं। भाणा के 4 नंबर खिलाड़ी गए हैं, लेकिन फिर से खाली रेट। अब आ रहे हैं कमलेश। कमलेश स्कोर है, कमलेश काफी दमखम वाले खिलाड़ी, लेकिन लगातार प्रेस होने से इस बार फिर आए हैं। 4 खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद। स्कोर है 9-33। पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी टीम को फिर से कम बैक करवाने के लिए। 10 मिनट शेष है, और ये टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन इस बार शायद 1-2 और ये 3 सुपर रेट कमलेश के सुपर रेट। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, कल भी इन्होंने काफी अच्छी रेड करी थी, आज फिर से इनको सब्स्टिट्यूशन के रूप में उतारा है। सिंगल खिलाड़ी बचत है और ये रेड के लिए गए हैं। नंगपुरा को विशेष रणनीति के साथ इस रेड का सामना करना होगा, अगर आप गलतियां करेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। बिल्कुल, ये 15-34 और 34 बाणा वापसी तो की है, लेकिन 10 मिनट का खेल अभी बचा हुआ, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कबड्डी है कबड्डी, 5 मिनट में आप सिरमौर बन सकते हैं। बिल्कुल, वही देखने को मिला इन पिछले 5 मिनट में। आपके कंधे झुकने नहीं चाहिए, बोनस लेकर गए हैं मदन। बोनस स्कोर ध्यान दें, मदन का बोनस। ये 9 नंबर की जर्सी, इनकी ये टांग है ना, जादू टांग है। बिल्कुल, और वही जादू दिखा दिया इन्होंने फिर से। मेडिकल टीम अगर बैठी है तो उनसे निवेदन करूंगा इस टांग का परीक्षण किया जाए, कैसा क्या है, जो हर बार बोनस लेकर चली जाती है। ये गए कमलेश। हमारे कमलेश की टांग में भी जादू था, अब वो है, देखते क्या होता है। पहले कभी जादू नजर आता था, लेकिन अब जादू ऐसा लगा कि अभिमन्यु चक्रियों में तो चला गया, लेकिन चक्री से बाहर वापस नहीं आ पाया। ये भाणा का चक्रव्यूह है, ये 11 नंबर के भैया, भाणा की टीम में गुरु जोड़ भी है। लगातार भाणा टीम पूरी रणनीति के साथ खेल रही है। फिर से मदन और कमलेश को बाहर बिठा दिया है और पूरी टीम को दबाव में ला दिया है। भाणा ने दोनों रेडर को बाहर बिठा दिया है। बिल्कुल, यही इनकी रणनीति है और उसी पर कार्य करते हुए भाणा टीम पूरी। और ये शायद इस टूर्नामेंट में पहला ऑल आउट मिला होगा भाणा को। बिल्कुल, पहली बार ऑल आउट किया था इस टीम को। 4 नंबर खिलाड़ी, 4 नंबर और 9 नंबर पूरा प्रयास कर रही है नंगपुरा टीम, लेकिन बहुत बड़ी टीम है सामने।
और ये गए हैं गोपे। शानदार ब्लॉक वहां पर फिर से माने की ओर से देखने को मिला, एक नहीं सात के साथ आते हैं। बिल्कुल ब्लॉक इनका मुख्य हथियार है ब्लॉक, ये सात नहीं साता रूढ़ है, अपनी भाषा जिसे साता रूढ़ कहते हैं। दो पॉइंट, भले नंगपुरा की टीम पिछड़ रही हो लेकिन ये भैया डिफेंडर ऑफ द मैच है। बिल्कुल वाकई में इन्होंने जो टैकल किए हैं वो बहुत ऊंचे लेवल के टैकल किए हैं, और वो नौ नंबर की जर्सी को पकड़ना बहुत मुश्किल कार्य है उनकी। और ये फिर से मदन आए हैं, दर्शक बोल रहे हैं अरे बोनस ले, बोलना बहुत आसान है उनकी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल कार्य है, कबड्डी है ये, बाहर से बोलना बहुत आसान कार्य है लेकिन अंदर जो खेल रहा है इतना बड़ा मैच है, खिलाड़ी उसके ऊपर कितना दबाव है वो उसको पता है। चार नंबर की जर्सी खिलाड़ी कोर्ट पर चार है, कौन सा चार किस चार पर भारी पड़ता है ये 10 सेकंड बताएंगे। बिल्कुल ये एक नई जानकारी मिली है, ये चार नंबर के भैया अभी एक भी बार गिरफ्त में नहीं आए हैं, ये गिरफ्तार किए नहीं गए हैं। वाह भैया वाह, आप कोई अपराध करते ही नहीं है, हम क्यों गिरफ्तार करेंगे। केवल पांच मिनट का खेल बाकी है, पांच मिनट से स्कोर बढ़ता हुआ और फिर से मदन द्वारा शानदार कार्य किए गए नंगपुरा के लिए। उन्नीस 38 का स्कोर, चार नंबर जर्सी, एक भी बार गिरफ्त में नहीं है ये चार नंबर जर्सी, इस बार क्या होता है। पांच मिनट का गेम बचा हुआ है, मदन गए फिर से, डू एंड डायरेक्ट छह नंबर जर्सी गई है, डू एंड डायरेक्ट ये जो बाणा के दर्शक हैं, सेल्फ आउट, बाणा के समर्थकों से निवेदन करता हूं ये बांस की बल्लियां कमजोर है, आप इनका ध्यान रखें कहीं मल्लियों को चोट ना लग जाए। अच्छा ये रायपुर के हैं, ये कन्वर्टर समर्थक हैं, ये रूपांतरित समर्थक हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने पहले ही बोल दिया था आप समझ नहीं पाए थे, अब आप भी समझ चुके हैं। मैं इतना साकिर दिमाग वाला नहीं हूं आपकी तरह। ओम जी बड़े बड़े हैं, सीधे साधे इंसान एकदम। और मदन चले, रूपांतरित दर्शक तो हो ही जाते हैं, चीर प्रतिद्वंदी होता है सामने वाली टीम तो उसके दर्शक उसकी ओर बदल जाते हैं, और वही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये चार नंबर जर्सी, सामने चार खिलाड़ी कोर्ट में मौजूद, चार ये चार चार चांद लगा रहा है भाणा की जीत में, भाणा के इस सफर में। मदन मदन आपको मदन मनोहर बनना होगा, अगर आप मदन मनोहर बनते हैं तो निश्चित रूप से जीत का हार आपके गले में होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत समय की कमी। बिल्कुल अभी काफी पीछे हैं नंगपुरा टीम बाणा से, पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकर आए हैं एक पॉइंट लेकर गए हैं, इसे कहते हैं जी कुछ भी हो सकता है, और खिलाड़ी अपने आप पर काफी दबाव महसूस कर रहे हैं, इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है। जो दबाव में खेलता है वही निखर कर बाहर आता है, दबाव में जो खेलना सीख जाता है। और गजब ये डबल रन, लेकिन सफल वहां पर, दो पॉइंट, चार नंबर को गिरफ्त में बहुत मुश्किल कार्य है, और दो पॉइंट लेकर आए अपनी टीम के लिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है प्लीज शांति बनाए रखें, मैच समाप्ति के बाद कोई भी आप एपीए घटना को अंजाम नहीं दे। चार पुलिस कांस्टेबल आपके चारों तरफ लगे हुए हैं और कैमरे लगे हुए हैं, आप जो इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता है,
सभी आपके मेहमान बैठे हुए हैं वो आपके आपके ऊपर ज्यादा नजरे हैं प्लीज। तीसरी और चौथी आंख दोनों आपके ऊपर है बिल्कुल। और आप अगर स्कोर सर लगातार छह दिन तक आपने अनुशासन बनाए रखा है तो अभी बनाए रखें प्लीज, शांति व्यवस्था बनाए रखें। काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है और काफी संख्या में दर्शक मौजूद हैं और इन दर्शकों की बदौलत इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, इसमें आपका पूर्ण सहयोग है। एक बार फिर से सभी दर्शकों का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आप जिस प्रकार की ये अनुशासन बनाए रखे हैं और ये अनुशासन का जो संदेश दिया है वो इस समिति का हौसला बुलंद कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आपके लिए और अच्छी व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए मैं आपका सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपने जिस प्रकार अनुशासन बनाया उसके लिए साधुवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ मैच समाप्त हो चुका है। टीम ने कुमार प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 के विजेता घोषित हुई स्कोरर्स के द्वारा और टाइम पूरा और भाना टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय श्री हासिल की। अब हमारे मेहमानों